नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राजेश शुक्ला ब्लॉग में। दोस्तों आज हम आप सभी को तेली का तालाब का मेला दिखाने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि यहाँ पर मेला कब कब लगता है। लो अगर आपको आना है तो कभी आकर यहाँ मेला देख सकते हैं। और दोस्तों हम आप सभी को बताने वाला हूँ कि जो पुरानी परंपराएं थी अब धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं, अब लोग नहीं आ रहे हैं उतना मेले में। आप सभी हमारे चैनल पर लास्ट तक बने रहना और वीडियो को पूरा देखना। जो हमारे चैनल पर नए हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जैसे वीडियो डाले वो आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरुआत करते हैं। इस समय हम मेले में पहुंच चुके हैं और धूप खिली हुई है और यहाँ पर लोगों का लगातार जमावड़ा होता जा रहा है। जैसे जैसे शाम होती जाएगी वैसे वैसे भीड़ बढ़ती जाएगी। आज देखो क्या क्या होता है, दंगल तो नहीं होगा, कुश्ती भी नहीं होगा और लगता है अखाड़ा हो। देखता हूँ जैसा होता है मैं आपको दिखाता हूँ। आप हमारे चैनल पर बने रहो और वीडियो को देखते रहो दोस्तों। चलिए हम आगे आपको लेके चलता हूँ आप सभी को। दोस्तों मेले में सबसे ज्यादा चाट और फुल्की आता है जिसको गोलगप्पा बोलते हैं, यही सब मेले में सबसे ज़्यादा आता है और दोनों साइड में वही सबसे ज़्यादा दुकानें लगी हुई हैं और लोगों की खचाखच भीड़ उसी ठेले पर ज़्यादा लगती हैं जिसका सबसे ज़्यादा मशहूर होता है। तो यहाँ पर एक से बढ़कर एक हैं मेले में आए हुए हैं। देखिए किसका पहले ख़त्म होता है मटेरियल और लगातार लोगों की संख्या बढ़ती हुई। तो चलिए दोस्तों आप बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों एक बार हम फिर आ चुके हैं छत के ऊपर। यहाँ से आपको दिखा रहे हैं कि लोग लगातार आ रहे हैं और लगता है हम आपको दिखा रहे हैं, लगता है कि यहाँ पर कुछ होने वाला है। आगे देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, लगता है यहाँ पर अखाड़ा होने वाला है। तो चलिए हम वहाँ पर चलते हैं अखाड़े के पास। दोस्तों इस समय अखाड़ा कूदना चालू हो गया है, लोग कूद रहे हैं। ये देखिए कूदे और हम आपको दिखा रहे हैं धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है कूदने वालों की। लेकिन ये सब बाहर से ही आए हुए हैं, गांव वाले कोई नहीं आ रहे हैं। इस समय जो पास के हैं तो लगता है कुछ मैटर है जो इसकी वजह से नहीं, अभी लोग आना नहीं चाहते हैं क्योंकि हर बार कुछ न कुछ लड़ाई झगड़ा हो ही जाता है। इसके लिए यहाँ पर मेला धीरे धीरे कम हो रहा है। यहाँ पर लड़ाई होने की वजह से मेला धीरे धीरे कम होता चला जाए, लोग आना नहीं चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर झगड़ा हो ही जाता है मेले में। वाओ वाओ देखिए कितना बढ़िया जंप, वाओ यार क्या बात है, वाओ जबरदस्त क्या बात है भाई, वाओ
लड़कियां जमती हैं। तो दोस्तों यहीं पर अखाड़ा समाप्त होता है और कोई कूदना नहीं चाह रहा है। अब सब मेले की तरफ जा रहे हैं और अखाड़ा बंद हो गया, क्योंकि पहले दंगल होता था, इनाम रखा जाता था तो लोगों का ताता लगा रहता था और लोग कुश्तियाँ भी लड़ते थे। बहुत दूर दूर से आते थे लोग, 15 किलोमीटर दूर से आते थे, 15-20 किलोमीटर दूर से यहाँ का मेला देखने के लिए, क्योंकि तिलिया का तालाब का मेला मशहूर है। आप कहीं भी पूछेंगे दो चार कोस के दूर से भी लोग जानते हैं यहाँ का मेला, और बहुत मशहूर मेला है तिलिया का तालाब का। तो आप कभी आना तो मेला ज़रूर देखने आना तिलिया का तालाब का। चलिए दोस्तों हम आगे आपको लेके चलते हैं, कितना सुंदर दृश्य है। दोस्तों हम आपको दिखा रहा हूँ तिलिया के तालाब पर मेला लगा हुआ है, जो काफी संख्या में लोग आए हुए हैं। तो चलिए हम आपको मेले में घुमाते हैं, आप हमारे साथ बने रहना और दिखेगा जैसे जैसे शाम होती जाएगी वैसे वैसे यहाँ पर भीड़ बढ़ती जाएगी। चलिए देखिए आपको दिखा रहा हूँ, और यहाँ पर शंकर जी का मंदिर है। अभी धूप है इसके लिए थोड़ा क्लियरिटी कम आ रही है, इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर कि मेला इसमें जोरों पर लगा हुआ, जैसे जैसे शाम होती जा रही है वैसे लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है और लोग इस समय लगातार आ रहे हैं मेले में। और सबसे ज़्यादा चाट की दुकान और फुल्की की दुकान सबसे ज़्यादा आई हुई है, जिसको पानीपुरी कहा जाता है। हम आपको दिखा रहे हैं लोगों की लगातार भीड़ बढ़ रही है चाट की दुकान पर, और देखिए शेर जी इसमें चाट फटाफट बना रहे हैं और लोग लगातार बढ़ती जा रही है लोगों की तादाद, और लोग लगातार आ जा रहे हैं। तो देखिए हम आपको दिखा रहे हैं सामने से भी, जैसे जैसे सामने किया लोग लगातार आ रहे हैं। इसमें हम आपको दिखा रहे हैं शिवम केसर रानी, जो कि प्रकाश चाट के नाम से मशहूर है, इस समय चाट बना रहे हैं, इनका सबसे ज़्यादा यह चाट बिकता है और उनका दुकान किले बाज़ार में लगता है। बहुत स्वादिष्ट चाट बनता है, तो हम आपको दिखा रहे हैं लगातार चाट बना रहे हैं। बन रहा है, एक बार आप आओगे तो आपको पता चलेगा कि उनका चाट कैसे बनता है। बहुत सारे लोग आए हुए हैं। देखिए लोग इंतजार कर रहे हैं चाट का, कि जैसे बने वैसे खाते हैं। उनको दिखा रहे हैं इसको, अब इसमें मटेरियल पड़ रहा है, दिखा रहे हैं लोग लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, जैसे जैसे शाम किया लोग लगातार आते जा रहे हैं। देखिए पानी पूरी का भी लाइन लगा हुआ है, वहाँ पर दिखा रहे हैं इसमें राखी का सीजन चल रहा है, तो यहाँ पर लोग राखी बेच रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं, मैं आपको दिखा रहे हैं सुभाष केसर वानी चाट भंडार है, जो कि यहाँ पर भीड़ लगा हुआ है और इसमें चाट बना रहे हैं। तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं,
यहाँ भी बहुत लाइन लगा हुआ है लोगों की। जैसे चाट बनाते हैं वैसे ये स्पेशल ऑर्डर देने के बाद बनाते हैं, जैसे आप देखते हैं। और भाई लोग देखिए साइड में खड़े हुए हैं, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों इस समय हम दिखा रहे हैं, देखिए जलेबी की लाइन लगी हुई है, लगातार जलेबी निकल रही है और लोग खरीद रहे हैं। और किनारे किनारे देखिए बहुत ज़्यादा तादाद में लोग आए हुए हैं। शंकर जी का मंदिर है, जलेबी की लाइन लगी हुई है। आधा किलो तीन करते हैं और निकाल देते इसमें चाउमीन चाट सबसे ज़्यादा दुकान चलने वाली चाउमीन और चाट है, हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार आते जा रहे हैं। क्या बना रहे हो? चाउमीन चाट बर्गर सब है। लगे रहे लगे रहे। कहाँ लेने देंगे? आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ से बस भी चलती है और प्रयागराज के लिए बस जा रही है। यहाँ से बहुत दूर तक मेला लगा हुआ है और करीब 200 मीटर तक मेला लगा हुआ है। आपको दिखा रहे हैं यहाँ तक चाट की दुकानें हैं, लोग चाट खा रहे हैं यहाँ पे। देखिए बच्चों की लाइन लगी हुई है गोलपत्ता खाने के लिए, जिसको फुल्की कहते हैं। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं विकास चाट भंडार और यहाँ से आपको यहाँ तक। ये देखिए मैं आपको थोड़ा एक घंटा पहले दिखाया था यहाँ पर, तो लोगों की भीड़ कम थी, अभी थोड़ा बढ़ रही है। वैसे जो शाम हो रहा है वैसे लोग आ रहे हैं लगातार। इस समय हमारे पास गुरु जी बैठे हुए हैं और मेला लगा हुआ है, तो हम गुरु जी से पूछते हैं, मेले की जानकारी वही दे सकते हैं क्योंकि उनका उम्र करीब 70-80 साल हो गया है। तो चलिए हम गुरु जी से बात करते हैं, जस्ट पास में बैठे हुए हैं। गुरु जी ये मेला कब से शुरू हुआ है? ये मेला जो है बहुत ही काल से, बहुत पूर्वज से मेला लगता चला हुआ है, बजरंगबली के नाम से प्रसिद्ध मेला। हमारा कई तालाब का मेला जहाँ लगता है, बहुत ही निर्मल पवित्र स्थान है और यहाँ पर बहुत से बूढ़े बुजुर्ग बच्चे बच्चियाँ बहू बेटियाँ सब आती हैं और बड़े आनंद के साथ मेले में भगवान भोलेनाथ का दर्शन करते हैं, जल चढ़ाते हैं और बजरंगबली के दर्शन करते हैं और बहुत प्रेम से सब मिलजुल करके मेले का जो है समापन करते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे मेला कुछ कम होता जा रहा है। बड़ा दुर्भाग्य है कि समय के अनुसार, जैसे पूर्वज में अब हम सब जिस समय 20-22 साल की उम्र के थे बहुत सुंदर विराट मेला लगता था, लेकिन अब परिवर्तन होता जा रहा है, प्रदूषण होता जा रहा है, लोगों में तनाव के कारण या उनको जो है सामाजिकता गड़बड़ होने के कारण जो है मेला जो है कुछ अब बहुत कमज़ोर लग रहा है। फिर भी हमारे 2-4 किलोमीटर की दूर से बच्चे आते हैं, बूढ़े बुजुर्ग सब मेला अच्छा लग जाता है। अच्छा, इसको बुढ़ा मंगल मेला बोलते हैं? ये बुढ़ा मंगल मेला बोलते हैं इसको? हाँ, बुढ़ा मंगल, मतलब ये बजरंगबली हनुमान जी की कथाओं से जुड़ा हुआ मेला है, इसे हम लोग बुढ़ा मंगल कहते हैं। हर साल वर्ष में एक बार लगता है यहाँ का मेला। और 13 को लगता है? और 13 को लगता है ना? हाँ, और यहाँ पर कई मेला लगते हैं, 3-4 मेला लगते हैं। एक 13 का जो भोलेनाथ शंकर जी के पर्व पर, मतलब 13 का मेला लगता है, बहुत विराट जो है यहाँ भीड़ होती है। और यहाँ रामलीला भी हमारे कई तालाब पे बच्चे खेलते हैं, उसके माध्यम से मेला लगाया जाता है और उस तरीके से 3-4 मेले यहाँ पर लगते हैं। चलिए आपसे बात करके हमको अच्छा लगा। अब जैसे जैसे शाम होती जा रही, जो दूर वाले हैं अब निकल रहे हैं यहाँ से,
देखिए मेला धीरे धीरे कम हो रहा है, आगे तक ज़्यादा है लेकिन इधर कम है। हम आपको दिखा रहे हैं, अब बजाय भेज एक मैं आपको दिखा रही हूँ। जैसे जैसे शाम होती जाएगी वैसे वैसे यहाँ पर लाइटें जलना चालू हो गई हैं। हम सब यहाँ ही जाता ही खींचा है। आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ, देखिए धीरे धीरे शाम होती जा रही है और मेले का समापन हो रहा है, लोग अब जा रहे हैं। ये देखिए हमारे पीछे साइड में हम आपको दिखा रहे हैं, इस साइड में और इस साइड में हम आपको दिखाते हैं। यहाँ से देखिए मैं ऊपर खड़े हुए जो आपको यहाँ से दिखा रहे हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हो धीरे धीरे अब लोग जा रहे हैं, शाम हो गई है। तो चलिए हम भी आगे आपको दिखाते हैं और आगे चलते हैं। आप हमारे चैनल पर बने रहना, वीडियो को पूरा देखिए। हमको बजरंगबली का मंदिर है, देखिए शाम हो रही है, लोग अब जा रहे हैं, यहीं पर रामलीला होता है। और तूफान चल रहा है इसमें। हाँ भाई चलो चलो चलो
जलेबी नहीं देते हैं, जलेबी का डिमांड, जलेबी का बड़ा डिमांड। हाँ चालू है, जलेबी मिल नहीं रही है, पौना घंटा से खड़ा हूँ भाई आज लाइन में, आधा किलो जलेबी के लिए इतना बड़ा डिमांड है, उसमें हम चाचा रहे भाई। या तो दुकान बंद करो और या तो फिर जलेबी को। हाँ ठीक ठीक, किया यहाँ माल खत्म भाई। एक बात और कहाँ गए? नहीं नहीं भैया, तो आई नया। दोस्तों वीडियो को यहीं पर देता हूँ विराम। दोस्तों आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो हमारे चैनल पर नए हों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जैसे वीडियो डालें वो आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो।